आपको थंबनेल से कुछ पता चला है? नहीं पता चला है ना, तो मेरा यकीन मानिए और इस वीडियो को ना 1 मिनट तक जरूर देखिए। मैं आपको यकीन दिलाने वाला हूँ कि क्या धमाका यहाँ पे होने वाला। आपने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा या पर्सनली आप खुद ऐसे हो सकते हैं ना जिनको इस टाइप के कपड़े काफ़ी पसंद है। उनके पास जितने कपड़े आप देखोगे इसी टाइप के प्रिंट में मिलेंगे। उनको सॉलिड पसंद नहीं है, उनको कैजुअल वाले जो शर्ट है वो पसंद नहीं है, उनको चेक ही शर्ट चाहिए। और ये कैजुअल एक चेक शर्ट है जो नेवी ब्लू में है और थोड़ा सा अलग कलर भी आपको मिल रहा है। मैं आपको पास से सब कुछ दिखाने वाला हूँ किस ब्रांड की तरफ से, और प्राइस जान के आप हैरान हो जाओगे। और एक अंदर छोटा सा ना इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए भर भर के लेके आता रहता हूँ। और जितना आप सब्सक्राइब करोगे जितना नंबर बढ़ेगा, आपको पता है YouTube नंबरों का खेल है, तो मैं ऐसे ब्रांड से काफ़ी कनेक्ट कर पाऊंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बेहतर डिस्काउंट भी कूपन के साथ भी लेके आने लगूंगा। तो मेरा हेल्प करिए, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। तो क्या चलिए पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको पास से दिखाते हैं, साइज चार्ट की मेजरमेंट लेते हैं, फिर आपको कौन सा फिट आएगा वो भी बता के जाएंगे। तो भाई केज की इस महीने की मे बी ये लास्ट अनबॉक्सिंग हो, तो आपको पता नहीं कभी कब देखने को मिल रही, मेरे को भी नहीं पता मैं कब कौन सा पब्लिश करूँगा। अनबॉक्स तो मैं कर ही लेता हूँ अच्छे से एक साथ, तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। और ये जो अपना एक चेक शर्ट है, जो भी कॉलेज स्टूडेंट है थोड़े से मेरे एज के बंदे हैं उनके लिए एक बेस्ट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है मटेरियल की पहले छोड़ो, पहले आप कलर देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। कलर्स की बात करें यहाँ पे अपने को डीप नेवी ब्लू मिल रहा है, थोड़ा सा नेवी ब्लू मिल रहा है बट काफ़ी डार्क है। रेड ग्रे और रेड ग्रे ब्लैक तो इसमें नहीं है, नहीं ब्लैक नहीं है, रेड ग्रे, यही 3-4 कलर जो मैंने बता दिया वही मिल रहा है, ठीक है। बटन्स पे जो पैटर्निंग है मतलब जो क्लोज़र है वो थोड़ा सा मोटा में सिलाई किया गया है। इधर इस पार्ट में देखो सिलाई डबल स्टिचिंग की सिलाई की गई है, सिलाई थोड़ी सी इम्प्रॉपर मेरे को दिख रही है बट फिट के हिसाब से फिट अच्छा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी फिट बता के जाऊंगा। अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कॉटन और पॉलिएस्टर मिलके बना हुआ है, ओबियस है क्योंकि थोड़ा सा टेक्सचर फील में है तो पॉलिएस्टर तो है ही इसमें। और साउंड आप फील कर रहे होंगे कि पॉलिएस्टर इसमें मिक्स है। और आप देखो ये कफ पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, हल्का मोटा सा अपने को दिख रहा है, बटन एक यहाँ पे मिल जा रहा है और कॉलर यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रहा है। आप कॉलर के पार्ट मैं दिखा दूँ आपको, तो कॉलर ये अपना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, एक बटन एक पैकेट अपने को मिल रहा है छोटा सा। और इस साइड में अब पीछे की तरफ देख लो तो पीछे ना डिजाइन कुछ ये है। स्टिचिंग भाई देखो थोड़ा सा स्टिचिंग में जो धागे हैं ना जगह जगह छोड़ दिए गए जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, ये थोड़ा सा इम्प्रॉपरनेस जो मुझे अच्छा नहीं लगता ब्रांड को, यहाँ पे ना थोड़ी काम करनी चाहिए। ऐसे जो हाईलैंडर और केज जो भी अच्छी ब्रांड है बट अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में थोड़ा सा वो दिक्कत कर देते हैं कभी कभार किसी किसी कपड़े में मुझे जो फील हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसकी मेजरमेंट लेके बताता हूँ कि एम साइज़ में जो हमने मंगाया है तो इसकी चेस्ट मिलनी चाहिए अपनी 42, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और चेस्ट अपने को मिला है 43, ठीक है चल जाएगा कोई बात नहीं है। 4 इंची का अमूमन हमें बफर पहनना चाहिए, और शोल्डर 17 इंचेज का है ये भी ठीक है, और जो लेंथ है वो 28.5 इंचेज का अपने को देखने को मिल रही है, दैट्स अ गुड थिंग। तो भाई ये शर्ट मैं पहनूंगा और आपको दिखाऊंगा पहन के कि कैसा फिट है क्या है। कंफर्टेबिलिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा क्योंकि अफोर्डेबल की तरफ जाना है तो सब कुछ तो मिल सकता नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए, कोई कमेंट की कन्फ्यूजन है तभी बता सकते हैं या वीडियो में मैं आगे आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देने वाला हूँ। तो गाइस आई होप आपने देख लिया, अब आ जाते हैं इसके मटेरियल के ऊपर। मटेरियल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो इन्फॉर्मेशन का मैं बात कर रहा था मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मटेरियल अपने को पॉलिएस्टर प्लस कॉटन यानी पॉलीकॉट मिल रहा है, यानी कि कॉटन भी है पॉलिएस्टर भी है। अब इसका एक बेनिफिट भी है और एक डिमेरिट भी है। अब बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है कि ये कॉटन की तरह श्रिंक उतना जल्दी नहीं होगा, आप पहनो एक बार दो बार पहन सकते हैं, आयन करने की बार बार जरूरत नहीं, फ्रिक्वेंटली आयन करने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरा डिमेरिट क्या है कि थोड़ा सा समर में आपको ये अनकंफर्टेबल फील करा सकता है ड्यू टू पॉलिएस्टर, ये थोड़ी सी हीट अब्जॉर्ब करता है और स्वेट को इजिली डिसिपेट नहीं होने देता, ब्रीदेबिलिटी उतनी बनी नहीं रहती है, एयर एक्सचेंज उतना आसानी से नहीं होता, तो थोड़ा सा अनकंफर्टनेस हो जाता है। बट वहीं पर बात करें कि विंटर आने वाला है और विंटर में ये मस्ट है होगा, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा विंटर से। तो विंटर के लिए कोई कैजुअल शर्ट आपको चाहिए या विंटर जब आ रहा हो या जा रहा हो उसमें आप आराम से इसको उठा सकते हैं, उस टाइम आपको टक इन करके लेयर के हिसाब से भी पहन सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। प्राइस सुन लो,
प्राइस केवल 539 रुपये है। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ओरिजिनल वेबसाइट से आप इसके उठा सकते हैं, या तो दो चार सिमिलर रिकमेंडेशन भी मैं दे दूंगा मिंत्रा के, वहां से भी जाके कुछ इस टाइप के चेक शर्ट उठा सकते हैं या इसी ब्रांड का चेक शर्ट उठा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं फिट की। अगर फिटिंग की बात करें ना भाई, एक वर्ड में मैं बोलूँगा ये मेरे में परफेक्ट फिट है। लेंथ परफेक्ट है, स्लीव्स लेंथ परफेक्ट है, शोल्डर परफेक्ट है, चेस्ट पर भी स्पेसियस है, पहनने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसको मैं चाहूँ तो नॉर्मल ऐसे कैजुअल शर्ट की तरह टकआउट करके पहन सकता हूँ, स्लीव्स को रोल आउट करके पहन सकता हूँ, और थोड़ा सा मैं स्मार्ट कैजुअल में खेलना चाहूँगा तो इसको टक इन करके भी अच्छा लुक एक क्रिएट कर सकता हूँ और बढ़िया इसमें दिख सकता हूँ। मेरे तरह से आप भी इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं अपने को। आप नीचे चीनों पहन लीजिए, ऊपर से इसको पहन लीजिए, कॉलेज जाना है आज आराम से जा सकते हैं। अगर ऑफिस में थोड़ा अलाउ है, कोई ड्रेस नहीं है, तो आप आराम से इसमें जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कैजुअल पार्टी है, कहीं इवेंट है, मामा दादा फूआ नानी परदादा जिसके भी घर जाना है, आप पहन के जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई हेजिटेशन आपको नहीं है। कोई भी देखेगा तो बोलेगा कितना डिसेंट लग रहा है हमारा बच्चा। तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर करिए, अपने आपके साइज में मिले तो उठा जरूर लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट जरूर करिएगा। और आपको कौन सा फिट आएगा उसका अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो भाई अगर आपका बॉडी मेरा बॉडी सेम है, मतलब हाइट 5.8 इंच के आसपास है, 7 भी है तो चल जाएगा, 9 भी है तो चल जाएगा, हाइट आपकी 5.8 इंच की है और हाइट 38 चेस्ट है और वेट जो है 80 केजी के आसपास है, तो आप इसका एम साइज आँख मूंद के उठा लीजिए, आपको एक नंबर कंटाप आने वाला है। अगर नहीं है ऊपर नीचे है तो साइजेज अवेलेबल है भाई, ऊपर नीचे कर लीजिए। वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई को नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम कर दूंगा फिनिश, और कोई शर्ट बेहतर इसका साइज हो सके या कोई और चेक शर्ट हो उसका साइज मैं रिकमेंड कर दूंगा, और आपको साइज बढ़िया आने लगेगा। मेरा ये एक्सपर्टीज है, मैं साइज में मुझे काफ़ी आइडिया हो चुका है कौन कौन ब्रांड के कैसे साइज आते हैं, तो मैं वो आपको हेल्प कर दूंगा। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस शर्ट के बारे में, मटेरियल से लेकर फिटिंग तक। तो कोई दिक्कत है तो नीचे स्वागत है आपका, नहीं दिक्कत है तो जाइए, लिंक नीचे ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उठा के अपने लिए परचेज कर लीजिए अगर आपको नीड है तो। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक शुक्रन अलविदा मसाल, टेक केयर एंड डू व्हाट यू वांट, माय लवली फ्रेंड।